हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। यह हमारा जावास्क्रिप्ट का वीडियो नंबर 91 है। इसमें हम इज इक्वल नोड सीखेंगे। तो इज इक्वल नोड क्या करता है इसे समझते हैं। इज इक्वल नोड हमारे दो एलिमेंट के चाइल्ड को आपस में कंपैरिजन करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होता है तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर उस एलिमेंट के कोई भी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट वैल्यू या उसके टेक्स्ट नोड डिफरेंट होता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन क्या क्या करता है। कंपैरिजन वो एलिमेंट के साथ कर सकता है, टेक्स्ट नोड के साथ कर सकता है, एट्रीब्यूट के साथ कर सकता है या एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ भी कर सकता है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिस अपने एस्टिमेट डॉक्यूमेंट के अंदर कर लेते हैं। तो हमने अपना एस्टिमेट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो इसके डिज़ाइन को सबसे पहले आपको दिखा दूँ। इसका डिज़ाइन देखिए ये है। इसमें दो बॉक्स का यूज किए हैं और दोनों बॉक्स के अंदर ULLI का यूज किए हैं, ठीक है। तो इसके कोड को पहले देखिए, इसका कोड ये देखिए। फर्स्ट बॉक्स का क्लास नेम क्या है, बॉक्स वन, और सेकेंड बॉक्स का क्लास नेम बॉक्स टू है, और दोनों बॉक्स के अंदर ULLI का यूज किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारा जो फर्स्ट LI है, इसको हम इस फर्स्ट LI से सबसे पहले हम इज इक्वल नोड के थ्रू कंपैरिजन कराएंगे। तो इन सारे LI के पेरेंट क्या है, UL है, और इन सारे के पहले पेरेंट कौन है, इसका भी UL है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एलिमेंट वन नाम से। एलिमेंट वन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस स्क्वायर डबल कॉमा, और फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स का क्लास नेम क्या है, बॉक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं बॉक्स वन, उसके बाद UL, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम चिल्ड्रन के थ्रू यूज कर लेते हैं, डॉट CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद केयर ब्रेसेस, वैसे तो हम डायरेक्ट LI यहाँ पे भी डाल सकते थे, लेकिन इसमें हम चिल्ड्रन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम हर बार अलग अलग चेंज करते जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पोजिशन क्या है देखते हैं, जीरो है, देखिए तो जीरो डाल देते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्यों करते हैं, क्योंकि हम अब इसको भी फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम इसको कॉपी कर लिए, और इसका क्लास का नाम क्या है, बॉक्स टू। तो यहाँ पे हम बॉक्स टू डाल देंगे और वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं एलिमेंट टू, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल और लेते हैं जो कि कंपेरिजन करके स्टोर होगा इसमें। तो भैर कॉम्प नाम से डाल देते हैं इसमें, भैर कॉम्प, ओके। भैर कॉम्प इजकल टू, अब देखिए जिसको कंपैरिजन कराना है, एलिमेंट वन को कंपैरिजन कराना है, तो एलिमेंट वन डॉट अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल नोड। ये कंपैरिजन क्या करेगा कि दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इज इक्वल नोड का देखिए, IS इज EQUAL इक्वल NOD नोड, ठीक। इक्वल का ई कैप्स में, नोड का एन कैप्स में, बाकी सारे स्मॉल में। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन कराना है, तो एलिमेंट टू से कंपैरिजन कराना है, तो यहाँ पे एलिमेंट टू डाल देंगे। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, इसमें हम डाल देते हैं कॉम, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर पे जा करके, और उसके बाद कंसोल में चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। ये फॉल्स क्यों है, अभी ये समझिए। देखिए LI यहाँ पे एलिमेंट तो सेम है, इसका भी एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों का सेम है, बट ये टेक्स्ट है, मतलब कि इसका टेक्स्ट नोड है जो डिफरेंट है। यहाँ HTML यूज किया गया, यहाँ एक्सप्रेस यूज किया गया। तो यहाँ पे इसमें देखिए कहीं पे HTML हम यूज किए हैं, देखिए इसमें तो यूज नहीं किए, इसमें यूज नहीं किए, इसमें यूज किए। तो एक काम कर लेते, इसी को हम फाइंड करके कंपैरिजन करा करके देखते हैं कि ट्रू आता है या नहीं। तो इसको क्या है, कितना पोजीशन हो जाएगा, 0 1 2। तो इसमें इसके चिल्ड्रन कर देते हैं 2,
मतलब बॉक्स टू का चिल्ड्रेन टू कर दिए तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसको हम चूंकि हम सेलेक्ट किए थे किसको, 012 जिसका एलिमेंट li था और उसके टेक्स्ट html था, और इसमें भी इसमें हम फर्स्ट फर्स्ट को सॉरी जीरो को ये कर रहे थे, मतलब जीरो जिसका पोजीशन है उसको हम कंपेरिजन करा रहे थे। तो इसका एलिमेंट देखिए li है और टेक्स्ट है html, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखिए एक काम करते हैं, कोई एट्रीब्यूट के साथ देखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, चलिए अभी जीरो है ना, तो इसमें हम कोई क्लास का नाम डाल देते हैं, क्लास टीच, ठीक है टीच डाल दिए तो क्या होता है देखिए, अब हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके साथ हम एट्रीब्यूट्स का यूज किए हैं, ठीक है इसके साथ हम एट्रीब्यूट्स का यूज किए हैं और इस li के साथ हम एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं किए हैं, इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा जो इसका सेलेक्टर कौन है, टू है, तो 012 इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस एचटीएमएल के साथ, एचटीएमएल वाला एलिमेंट में। अब देखिए हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके साथ भी एट्रीब्यूट्स का यूज किए हैं और इसमें भी हम एट्रीब्यूट्स को यूज किए, ठीक है, और उसके वैल्यू को भी। सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए टू रिटर्न कर दिया। अब एक काम करते हैं, एक में एट्रीब्यूट को नेम को हटा देते हैं, ठीक है डिलीट कर दिया, तो क्या रिटर्न करेगा, तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट्स वैल्यू ब्लैंक है और इसका इसमें एट्रीब्यूट्स वैल्यू दिया हुआ है जिसका नाम है टीच को टीच। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फॉल्स रिटर्न किया। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम एक्स वाई जेड कुछ भी डाल देते हैं, टीच टू डाल देते हैं टीच। चलिए इसको, ये कैप्स में था, इसको स्मॉल में कर देते हैं, इसको स्मॉल में कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये फॉल्स रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि इसका टीच का देखिए टी कैप्स में है, इसका स्मॉल में, इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।